अब मैं रिफ्रेश करता हूँ सर, तो हमें दिख गया, ठीक है हमें दिख गया, ये हमारा ब्लॉग है और टाइटल उसका जो हमने फेच किया था माई ब्लॉग, और ये जो उसका बॉडी में जो हमने कंटेंट लिखा था, अगर हम एडमिन पे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या क्या कंटेंट लिखा था हमने। तो ये हो जाएगा स्लैश यहाँ से एडमिन, और देखो जो हमने टाइटल लिखाया था तो ये हमारा ब्लॉग आ क्यों नहीं रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे अपने लिस्ट डॉट एच टी एम एल में तो सब कुछ लगभग ठीक है। व्यूज़ में हम निकाल रहे हैं पोस्ट डॉट पब्लिश डॉट ऑल, बट ये आ नहीं रहा है। क्या दिक्कत हो सकती है? पोस्ट डॉट पब्लिश डॉट ऑल एंड ओके, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने अपने ब्लॉग को पब्लिश कर रखा है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो हम सीधा जेंगो साइट में चलते हैं और यहाँ देखो हमने ड्राफ्ट कर रखा है और एक को कुछ नहीं छोड़ा है हमने। तो अनदर पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से कर देता हूँ पब्लिश्ड और यहाँ से सेव, ठीक है सेम ऐसे ही करना है। यहाँ भी जाऊँगा और इस वाले पोस्ट को भी हमने कर देना है पब्लिश, और नाउ सेव करके हम अपने फ्रंट पेज पे जाते हैं और रिलोड करते हैं इसे। तो ये देखो हमारे दोनों पोस्ट आ गए, ठीक है। अब अगर आप इसे क्लिक करोगे तो हमारा डिटेल पेज खुलेगा, ये देखो डेट के साथ आ रहा है ना पूरा, उसके स्लग बना हुआ, ठीक है। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाता है हमारा यूनिक यूनिक जो भी ब्लॉग होगा। इसके बाद अब हम बनाते हैं अपना डिटेल पेज। तो डिटेल पेज बनाने के लिए क्या करना है, हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे और ये रहा हमारा डिटेल पेज। यहाँ भी हम वही करेंगे, एक्सटेंड करेंगे पूरा, ठीक है। एक्सटेंड कहाँ से करना है, हमने ब्लॉग स्लैश बेस डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इसके बाद हमने अपना टाइटल को लोड करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लॉग और सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, टाइटल और जो टाइटल होगा वो क्या होगा, पोस्ट का ही टाइटल होगा वो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा पोस्ट, पोस्ट डॉट टाइटल, ठीक है। एक बार यहाँ देखता हूँ मैं व्यू में, तो डिटेल पेज में पोस्ट के नाम से है, ठीक है, तो पोस्ट के नाम से है और ये है हमारा डिटेल डॉट एच टी एम एल में, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट का टाइटल आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम अपना ब्लॉग कंटेंट बनाते हैं। तो ये जगह ब्लॉग और यहाँ पे लिखूँगा मैं कंटेंट, ठीक है, और इस ब्लॉग बॉडी के अंदर हमने सारा का सारा अपना कंटेंट लिखना है। तो मैं यहाँ से चेक करूँगा और इसे नॉर्मल एच टी एम एल कर दूँगा। फिर यहाँ पे एच वन टैग रहेगा और वापस यहाँ से जेंगो कर लेता हूँ मैं, और ये बाहर जा रहा है, और यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने पोस्ट डॉट टाइटल स्मॉल में है ये पोस्ट डॉट टाइटल। इसके बाद क्या है, फिर से एक पैराग्राफ में, पैराग्राफ टैग में लिखूँगा जो भी, पैराग्राफ टैग में लिखूँगा जो भी हमारा ब्लॉग होगा, ठीक है। तो यहाँ से जाके वापस मैं इसे जेंगो में सॉरी एच टी एम एल में कर लेता हूँ, और पैराग्राफ टैग होगा ये रहा पैराग्राफ टैग, और इसे वापस से हम जेंगो एच टी एम एल में कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा पब्लिश्ड, ठीक है, ताकि हमें पहले पता चल जाए पब्लिश डेट वगैरह। तो पब्लिश्ड अगेन वही होगा, ठीक है, पब्लिश क्या होगा हमारा पोस्ट डॉट पब्लिश और बाय ऑथर, और ऑथर हमारा कौन होगा, पोस्ट डॉट ऑथर, ठीक है, पोस्ट डॉट ऑथर। और इसके बाद हम अपना पूरा यहाँ पे अपना ब्लॉग दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या लिखना है, हमने यहाँ पे लिखना है पोस्ट डॉट बॉडी, ये हो जाएगा पोस्ट डॉट बॉडी, और उसके बाद लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक्स, ओके। और इसे अब हम सेव करते हैं और इसे रीलोड करते हैं। देखो जैसे कि हमने पिछले बार लाइन ब्रेक करा था, तो ये आप डैश डैश देख रहे हो यहाँ पे, अगर 30 वर्ड से ऊपर हुआ तो ये डैश डैश दिखा देगा, ठीक है। पोस्ट डॉट ऑथर अभी भी नहीं आया है, तो पोस्ट डॉट ऑथर, ऑथर ऑथर देखते हैं हम एक बार, चेक करते हैं अपने मॉडल्स डॉट पाई में, मॉडल्स डॉट पाई कहाँ है हमारा, ये रहा, और ऑथर कहाँ है, ये रहा ऑथर, ठीक है ऑथर। और वापस हम लिस्ट डॉट एच टी एम एल में चलते हैं, कंट्रोल एस करके इसे रिफ्रेश करते हैं, पोस्ट डॉट ऑथर नहीं आ रहा है अभी, एक सेकेंड कुछ गलती है, ओके हमने कि ये नहीं लगा था,
उसके बाद वापस जाके इसे रिफ्रेश करते हैं तो पोस्ट डॉट ऑथर आ गया है। अब क्या होगा, जैसे हमने डिटेल पेज भी बना ली तो किसी भी एक ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो अभी भी ये दिखा रहा है कैन नॉट रिजॉल्व कीवर्ड पब्लिश अंडरस्कोर डे इनटू फील्ड चॉइसेस और ऑथर ऑथर आईडी बॉडी क्रिएटेड आईडी पब्लिश आईडी स्लग। आई थिंक हमने ये सब बनाया है कि नहीं बनाया ये भी चेक करना पड़ेगा एक बार। तो हम अपने कोड में जाके देखते हैं ये क्या गलती बता रहा है। ईयर मंथ और डे तो ये अटैच करेगा ही। ओके पोस्ट स्टेटस पब्लिश्ड और क्या हो सकता है पब्लिश अंडरस्कोर ईयर पब्लिश अंडरस्कोर मंथ। आई थिंक यहाँ पब्लिश अंडरस्कोर अंडरस्कोर होगा। तो कंट्रोल ऑल्ट करके और डाउन एरो की दबाते हैं और यहाँ पे शिफ्ट और फिर आ जाएगा अंडरस्कोर। ठीक है अब इसको सेव करते हैं एंड देन वापस इसे क्या करते हैं रिफ्रेश। हाँ इस बार चल गया। ओके अंडरस्कोर अंडरस्कोर वहाँ पे डालना है तो जैसे बैक जाके इस पर भी क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। माई ब्लॉग दिस इज़ माई ब्लॉग इसमें इतना ही लिखा था पब्लिक यूज टू ये पब्लिश इतने तारीख को हुआ था और ऑथर ये है। और ठीक है इसके बाद दूसरा वाला देखते हैं हु डेवलप जेंगो तो ये इसका पूरा डिटेल आ गया। ठीक है तो इस तरह से करके आप पोस्ट की लिस्ट बना सकते हैं और साथ ही साथ उसको डिटेल पेज तक भी ले जा सकते हैं किसी भी पोस्ट की डिटेल देख सकते हैं। ओके गाइस सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।